कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा था, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। यह हमारा व्याकरण का पहला क्लास है और यह आपकी पाठ्य पुस्तक है जिसका तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है संधि। तो हम लोग आज इन बिंदुओं पर बात करेंगे। इस कक्षा में जो हम लोग पढ़ेंगे उसके निम्नलिखित बिंदु हैं, मैं उन बिंदुओं पर आज की कक्षा में बात करूंगा। जैसे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि क्या है और स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो आज इन निम्नलिखित बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, मेल या जोड़। अब आइए हमारा अगला बिंदु है कि संधि की परिभाषा। तो दो वर्णों के मेल से या दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो ध्वनियों या वर्णों के पास पास, जो आपके पुस्तक में परिभाषा दी हुई है मैं उसे भी एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार, विकार यानी परिवर्तन, संधि कहलाता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं आपकी पुस्तक से, नर नरेश, नर जोड़ ईश। यहाँ पर आप लोग देखिए दो ध्वनियों में क्या विकार उत्पन्न होते हैं। यहाँ देखते हैं नर में क्या है अ और यहाँ है ई बड़ी। जब इन दो ध्वनियों में मेल उत्पन्न मेल होता है तो उस अर्थात इन दो ध्वनियों में जब परिवर्तन होता है, मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है तो एक शब्द बनता है ये नरेश, नरेश। अब ये अ और ई मिलकर ए कैसे हो गए, यह हम लोग जब स्वर संधि की जो भेद हैं जब पढ़ेंगे तब हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे। तो हमने क्या देखा, दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे संधि कहते हैं। मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, जैसे अक्सर बहुत लोग इसका उदाहरण देते हैं, पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, इसके मेल से क्या बना, पुस्तकालय। अब देखिए यहाँ पर क और माफ कीजिएगा अ और आ, क्योंकि क में कौन सा स्वर स्वर है अ, तो अ और आ के मेल से आ, दो ध्वनियों का मेल हुआ उससे जो विकार उत्पन्न हुआ उसका यह परिणाम है। तो हम लोग परिभाषा के अनुसार क्या देखते हैं कि दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। पाठ को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं हमारा अगला बिंदु क्या है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं कि आपकी आपके जो आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें ये दिया रहता है क्या कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। अक्सर आप लोग इससे रूबरू होते हैं, इससे पहले की कक्षा में भी आप लोग इससे रूबरू हो चुके हैं। तो क्या है संधि विच्छेद, पुनः उस स्थिति में लाने की क्रिया, अर्थात यदि किसी शब्द की ध्वनियों को
ध्वनियों को क्या वापस उसी स्थिति में अलग अलग करके रख दिया जाए तो वह क्या होता है, संधि विच्छेद कहलाता है। परिभाषा के अनुसार यदि किसी शब्द के ध्वनियों को अलग अलग करके संधि के पहले, ये जो संधि हुआ शब्द पहले वाली स्थिति कौन सी है, ये पहले वाली स्थिति है, तो पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात ये क्या है, संधि और इसके पहले वाली ये कौन सी क्रिया, इसके माने पहले वाली स्थिति कौन सी है, ये संधि विच्छेद। तो हम लोगों ने क्या देखा कि संधि किसे कहते हैं और संधि विच्छेद किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला बिंदु है कि संधि के कितने भेद हैं। हम लोग जानते हैं कि संधि के तीन भेद हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक बार मैं पुनः बोलता हूँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग अगले बिंदु पर चले जाते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब दो स्वर ध्वनियों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। देखते हैं आपके पुस्तक में कौन सी परिभाषा दी हुई है। दो स्वरों के आपस में मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। आइए अब हम लोग अपने अगले बिंदु पर चले जाते हैं, स्वर संधि के कितने, माफ कीजिएगा, सबसे पहले स्वर संधि का उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों ही उदाहरण स्वर संधि के हैं। कैसे स्वर संधि के हैं, यहाँ कौन सा ध्वनि है, स्वर ध्वनि है, यहाँ भी स्वर ध्वनि है, तो इन दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ उसे स्वर संधि कहते हैं। इस उदाहरण में भी देखिए कौन सी संधि है, यह भी स्वर संधि है। कैसे, यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, तो इन दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, वह स्वर संधि है। तो ये दोनों ही स्वर संधि के उदाहरण हैं। हमारा अगला बिंदु है स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, उसके बाद है गुण संधि, उसके बाद है वृद्धि संधि, उसके बाद है यण संधि और उसके बाद है अयादि संधि। कुल 5 भेद हैं, कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये किसके भेद हैं, ये स्वर संधि के भेद हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने जिन बिंदुओं को लिया था हमने उसकी चर्चा की, उदाहरण के माध्यम से समझा। आपके पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। हम लोग अगली कक्षा में जब स्वर संधि के भेदों को जब पढ़ेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे। इस कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम लोग बाकी का जो भाग है अर्थात स्वर संधि के भेद, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।